हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्या, मेरे यूट्यूब चैनल एस एन गैज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जो है मेरा एक्सरे से संबंधित है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। दो बातें आप जरूर ध्यान दीजिएगा। पहला कि जब भी आप एक्सरे कराने जाएँ, जिसका एक्सरे हो वही एक्सरे रूम में जाए, और दूसरा कि आप जब भी एक्सरे कराने जाएँ बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप एक्सरे न कराएँ। अननेसेसरी एक्सरे कराने से आपको बहुत ही नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने 6 टॉपिक तैयार किया हुआ है। पहला कि एक्सरे क्या होता है, दूसरा मेरा जो टॉपिक है एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है, और तीसरा जो मेरा टॉपिक है वो एक्सरे कराने के लिए क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ता है, और चौथा मेरा टॉपिक है एक्सरे कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और पाँचवा मेरा टॉपिक है एक्सरे किसको नहीं कराना चाहिए, और छठवा मेरा टॉपिक है एक्सरे से क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो आप शुरू करते हैं। मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक्सरे के फायदे नुकसान सब आपको पता चलेगा। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा जो पहला टॉपिक है कि एक्सरे क्या होता है। एक्सरे एक बहुत ही सस्ता डायग्नोस्टिक है जो हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट को देखने में मदद करता है, और एक्सरे का आविष्कार सर डब्ल्यू सी रंजन ने 8 नवंबर 1895 को किए थे। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होता है जो वेव्स और पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है। इसके पास पेनिट्रेशन की बहुत क्षमता होती है, और यह जो एक्सरे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक्सरे का जो स्पीड होता है वो लाइट की स्पीड के बराबर होता है, मतलब कि 3×10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्सरे चलता है। और एक्सरे जो होता है इस सिल्वर हैलाइड पर फोटोग्राफिक इफेक्ट शो करता है और उसके केमिकल को चेंज कर देता है। दोस्तों, दूसरा टॉपिक है कि एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टारगेट से जब टकराता है तो एक्सरे एनर्जी कन्वर्जन से एक्सरे उत्पन्न होता है। इसमें 1% केवल एक्सरे होता है और बाकी 99% हीट में चेंज हो जाता है। और तीसरा मेरा टॉपिक है कि पेशेंट के प्रिपरेशन एक्सरे कराने के लिए कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसे नॉर्मल रूटीन का जो एक्सरे है उसके लिए कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एब्डोमिनल स्पाइन का अगर एक्सरे है तो उसके लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत है। इसमें आपको पेशेंट को लग्जेटिव 1 दिन पहले दे दिया जाता है, जिसका उसका पेट साफ हो जाए और उसके गैस्ट्रिक बल्ब या फिशेस से कोई एबनॉर्मलिटी छिप न जाए, इसलिए उसको लग्जेटिव दे करके उसका पेट साफ करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, मेरा चौथा टॉपिक है कि एक्सरे कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसलिए डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप चेस्ट एक्सरे करा लीजिए या कोई भी एक्सरे करा लीजिए। तो इसमें कुछ है जिसकी वजह से मैं बताऊंगा कि किस किस वजह से आपको एक्सरे कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको कई दिनों से बुखार आ रहा है तो आपको एक्सरे कराने के लिए डॉक्टर एडवाइस देते हैं। आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो भी डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं कि आप एक्सरे करा लीजिए। यदि आपको हड्डी में कैंसर या कोई फ्रैक्चर है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आप एक्सरे कराइए। फेफड़ों की समस्या जैसे कि कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, सिस्ट है, निमोनिया है, अब प्लूरल इफ्यूजन हुआ हो तो डॉक्टर आपको चेस्ट एक्सरे कराने की सजेशन देते हैं। यदि डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए भी एक्सरे आते हैं, उसको स्पेशल एक्सरे से कहा जाता है। और अर्थराइटिस है, इसमें भी आपको एक्सरे कराने की ज़रूरत पड़ती है। दांतों का इन्फेक्शन है तो उसमें डेंटल एक्सरे कराने की ज़रूरत पड़ती है। खाने पीने की चीज़ों का अगर आपको निगलने में यदि खाने पीने की चीज़ों को निगलने में आपको प्रॉब्लम होते हैं तो उसमें भी एक्सरे के कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो हो गया दोस्तों कि एक्सरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, मेरा पांचवा जो टॉपिक है एक्सरे किसको नहीं कराना चाहिए। यदि आपका अर्ली प्रेगनेंसी है तो आपको एक्सरे नहीं कराना चाहिए। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अगर लेट एक्सरे नहीं कराना चाहिए। यदि आप जेंट्स हैं तो 1 एक्सपोजर के बाद से पेल्विस का अगर 1 एक्सपोजर आपने ले लिया है तो कम से कम 3 महीने बच्चे लेने के बारे में ना सोचें। यदि आप महिला हैं अगर पेल्विस का 1 एक्सपोजर ले लिया तो कम से कम 6 महीने तक बच्चे लेने की कोशिश न करें, क्योंकि इस एक्सरे कराने के बाद जैसे ही आप बच्चे के प्लान करेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी एक्सरे कराने जाएँ
तो आप फिर एक्सरे टेक्नीशियन को इसके बारे में ज़रूर बताएंगे कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। दोस्तों मेरा लास्ट और छठवां टॉपिक है एक्सरे से नुकसान। तो एक्सरे से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे कि मान लीजिए आप अर्ली प्रेगनेंसी है, अगर एक्सरे कराने जाती हैं तो हो सकता है कि आपको गर्भपात हो जाए, और प्रेगनेंसी में अगर एक्सरे कराती हैं तो हो सकता है आने वाले बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को आपको मिल सकता है, और एक्सरे के रिपीटेड टाइम कराने से आपको कैंसर होने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जब भी आप पेल्विस का एक्सरे कराते हैं, यदि आप जेंट्स हैं तो आपको स्पर्म काउंट में कुछ दिनों तक कमी महसूस हो सकता है, और कई बार क्या होता है कि एक्सरे के ओवरडोज से आपको वोमिटिंग जैसे सेंसेशन होगा, आपके बाल जो झड़ने लगेंगे, तो इस तरह का नुकसान होता है। अब आपको मैं कुछ सावधानियां बताता हूं जो कि जनरली आपको कोई टेक्नीशियन बताता नहीं है। तो आप जब भी एक्सरे कराने जाएं तो जिस पार्ट का आपको एक्सरे कराना है वही पार्ट आप ओपन करें, बाकी पार्ट्स टेक्नीशियन से डिमांड करें कि वो आपको लेड अप्रान दे जिससे आप पहन करके बाकी पार्ट को ढक सके, और आप ये भी देखें कि जो वो एक्सरे कर रहा है उसका कॉलिमेशन कितना है, जहाँ से एक्सरे फोकस किया जा रहा है उसका कॉलिमेशन कितना है। अगर हमको मान लीजिए हाथ का है तो टेक्नीशियन अगर पूरा कॉलिमेशन को बंद नहीं किया है तो आप उसको बोलिए कि जितना मेरे को ज़रूरत है उतना ही आप फोकस कीजिए, उससे ज़्यादा फोकस करने से क्या होगा, पूरा बॉडी पार्ट आपका एक्सपोज होगा। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक ही आदमी एक्सरे में जाना चाहिए, तो दोस्तों क्या होता है कि एक्सरे जब एक्सपोज होता है ना, तो फर्स्ट प्राइमरी जो रे होती है वो तो जहाँ पर फोकस किया जाता है वहाँ पर जाता है, लेकिन वहाँ से स्कैटर्ड हो करके सेकेंडरी रे चारों तरफ फैलता है। इसलिए जब भी आप एक्सरे कराने जाएँ तो एक जिस व्यक्ति का है वही एक्सरे में जाए, और नुकसान जो मैंने बताया आप उसे समझ सकते हैं कि एक्सरे अपने मन से क्यों नहीं कराना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा टॉपिक है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।